मंत्री सभा सांसद ने अभी दो दिन हुए हैं ये बयान दिया है कि अगर सरकार चाहे तो खुलकर नमाज पढ़वाए, जिस तरह से पहले कोरोना महामारी के टाइम से पहले पढ़ी जाती थी, और बकरों की बाजार लगाई जाए कुर्बानी के लिए, जो बकरे खरीदे जाएं। उन्होंने ये मांग की है कि अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो वो लोग मस्जिदों में और ईदगाह में जाकर दुआ करेंगे कि कोरोना महामारी भाग जाएगी उनकी नमाज पढ़ने से। वो जो कुछ कह रहे हैं उसमें वो नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं आपके संज्ञान में इतना डालना चाहती हूँ कि वर्तमान परिस्थिति को सांसद जी जानते हैं, और वो भी निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में जो इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, ये केवल एक खोखली राजनीति को चमकाने के लिए कर रहे हैं, जो मैं नहीं समझती कि इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं। अच्छा, कितना उचित है उन्होंने इस तरह की सरकार से मांग की है कि कोरोना उनकी नमाज पढ़ने से कोरोना भाग जाएगा, सारी जमाती जो मतलब जो भी है इसका, मेरे पास ये कोई जवाब नहीं है कि कोरोना इस तरह से भागेगा। आज अमेरिका और चीन जैसी महान हस्तियां लाचार बनी बैठी हैं, मजबूर बनी बैठी हैं, केवल भारत एक ऐसा है जो इससे लड़ने में अपनी क्षमता के लिए आगे ला रहा है, और हम लोगों ने कोरोना के लिए पछाड़ा है, और वो सब जनता के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, और जो स्वयंसेवी संस्थाएं उनके सहयोग से हम लोग इस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बकरों के लिए, बकरों के बलिदान से या सामूहिक नमाज पढ़वाने से कोरोना भाग जाएगा, ये उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का होना परम आवश्यक है, और जो भी व्यवस्थाएं हमारी सरकार के द्वारा की जा रही हैं उन व्यवस्थाओं में रहकर स्वयं को सुरक्षित रखना आवश्यक है।